तालीम है। आप सभी ने आज इतने जोश खरोश से अपने मुल्क की आजादी के लिए अपना जोश और प्यार दिखाया। हम अखंडित भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आप सभी का पुरजोर स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने बच्चों में ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के हर नागरिक में मुल्क की तय मोहब्बत और प्यार का जज्बा जगाने का एक छोटा बड़ा काम करते हैं। तो हम आज कश्मीर की सरस्वती की धरती से, कश्मीर की लाल ऋषि की धरती से, कश्मीर की लल दैत की धरती से ये आवाज देना चाहते हैं कि हम एक हैं। ये बात कम है हमारे पास कोई तो कराए हो कहाँ से आए आप? एनआईटी श्रीनगर। आज आपको पता होगा कि लाइक 15th अगस्त है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 15th अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, तो ये हमारे लिए जश्न का दिन होता है और हमें ये मनाना चाहिए, ना कि किसी पीछे हटना चाहिए। इसमें हर हिंदुस्तानी को अपना पूरा। तो अभी ये आपके हाथ में देश का तिरंगा है, कैसा फील हो रहा है? ये हमेशा रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। आगे भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे हमारे साथ और भी हैं। जी कहाँ से आए आप? कहाँ से आप? एनआईटी से। कौन सा दिन आज मनाया जा रहा है? इंडिपेंडेंस डे। क्या कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे पे? इससे पहले कभी कश्मीर में आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे? पिछले साल मैंने मनाया था, लेकिन पिछले मैंने कॉलेज में मनाया था। इस बार मैं पहली बार कश्मीर की गलियों में मना रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आगे भी आपको बच्चे कुछ और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो कुछ बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज कश्मीर बदला हुआ है, जैसा कि पहले था वैसा नहीं रहा। आज यहाँ के हालात थोड़े अलग हैं और आगे और अच्छा ही होगा, जैसे कि हम अपेक्षा रखते हैं। ये तस्वीरें आपको लाल चौक से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों में कुछ बच्चे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। 15 अगस्त यौम आजादी का दिन 77वां बनाया जा रहा है और एक कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा पूरी तरीके से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। हालांकि यहां से इसको रोल भी किया जा रहा है, एक लंबा फ्लैग कह सकते हैं। इससे पहले भी ये रैलियां देखने को मिली है और सारे इसमें बच्चे हैं जो इसका पार्ट बने हैं और कुछ बच्चे यहां से भी। आप तस्वीरों में कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा आगे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। जी आप बताएं, आप यौम आजादी के दिन को लेकर देश का तिरंगा हाथ में है, कहाँ से आप? श्रीनगर से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिन के मौके पर? जैसे आप सबके ध्यान में आज 15 अगस्त है, हाँ, तो पूरा भारत इसका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होता है हमारे लिए। हमारे लिए कितना दिन होता है, हाँ, हम इस दिन आजाद हुए हैं, तो पूरे भारत इसी दिन ही आजाद हुआ है, अभी नहीं छोड़ना है। इससे पहले आप आज जिस तरीके से आप लोगों ने बच्चों ने रैली निकाली, इससे पहले भी आपको देखा गया था इसी तरीके की रैली निकालकर, कितनी खुशी महसूस हो रही है हार्ट ऑफ स्टेट के अंदर आप जो है इस जश्न को मना रहे? मेरी बात बोले, मैं अगर अपनी बात बोलूं तो मेरे लिए प्राउड का दिन होता है मेरे लिए, जिस दिन ये रैली हम निकालते हैं। अभी हम 3 सालों से कंटिन्यूसली ऐसी रैली निकाल रहे हैं और पहले हमने 100 फीट का झंडा था, तो आज इस टाइम हमारे पास 200 फीट के झंडे, यानी कि 250 फीट का झंडा आपके पास है।
तो आगे भी बच्चे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, सारे स्टूडेंट्स हैं और देश का तिरंगा हाथ में लेकर जो है स्लोगन दे रहे हैं। आगे भी तस्वीरें जरा दिखाए, इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां से कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा आगे जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे जो इस रैली का हिस्सा बने हैं। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से तस्वीरें दिखाए। तस्वीरों में ये सारे कुछ NIT नेशनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, कुछ और कई और से, लेकिन इनका जो बैनर है दैट इज ABVP और उसी बैनर के तले ये सारे जो है इस देश के तिरंगे को यौम आजादी के दिन पर 77वें दिन पर जो है आज इस 250 फीट फ्लैग को जो है इन्होंने मार्च करते हुए घंटाघर तक लाया है। आगे भी आपको तस्वीरें जरा दिखाएंगे, तस्वीरें जो आप कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा पूरी तरीके से दिखाने की। इसमें कई सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हैं। जी जी, आज यौम आजादी का दिन मनाया जा रहा है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? और जिस तरीके से आप थोड़ा सा बताएं, आप क्योंकि पार्ट है इस रैली का जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे यौम आजादी के दिन पर? सॉरी नहीं, हाँ इंडिया में तो हर कोई रहता है, हम आपसे इतना जानना चाहेंगे इस यौम आजादी के दिन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बात नहीं करना चाहते, हालांकि हमने पूछने की कोशिश की इस यौम आजादी के दिन पर, जवाब जो है वो इनसे नहीं मिल पा रहा। आगे भी आपको तस्वीरें जरा दिखाए, कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा आगे तस्वीरें दिखाने की। ये तस्वीरें आपको हिस्टोरिकल क्लॉक टावर घंटा कैसे दिखा रहे हैं। शांति, बाकी में लोग ना सुनो। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आप देख सकते हैं देश का तिरंगा हाथ में लेकर और इस यौम आजादी के दिन पर 77वें यौम आजादी के दिन पर हिस्टोरिकल क्लॉक टावर के सामने ABVP बैनर के नीचे इस रैली का हिस्सा बने हैं और 250 फीट के आसपास जो है फ्लैग को लेकर ये इस रैली के अंदर मार्च कर रहे थे। और ये बच्चों तस्वीरें जरा आप देख सकते हैं, छोटी बच्ची जो है, क्या नाम है बेटा आपका? नाम है आपका? चले आगे भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीरें आप दिखाइए बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शकीला, क्या नाम है बेटा आपका? ये तस्वीरें जो कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा पूरी तरीके से दिखाने की। जो बच्चे इस रैली का हिस्सा बने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, यौम आजादी का दिन है, ABVP स्टूडेंट पावर या ABVP बैनर है इनका, जिस बैनर के नीचे इस रैली को इन्होंने निकाला है। और बच्चों से अगर बात करने की कोशिश की, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि शायद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलना नहीं चाहते या बात करना नहीं चाहते, लेकिन इस बैनर के नीचे आए हैं यौम आजादी के दिन पर, इस 77वें यौम आजादी के दिन पर इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये फ्लैग को मार्च करते करते, इस रैली को मार्च करते करते तवारी के हिस्टोरिकल क्लॉक टावर घंटाघर के सामने पहुंचे। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स कहिए, स्कूल स्टूडेंट्स कहिए, डिफरेंट काइंड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ NIT से, कुछ कई और कॉलेज से, कई और कॉलेज से। अब आगे भी आपको तस्वीरें ऐसे ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत।